हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष सोनी स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुपर सोनी ग्राफिक डिजाइन मेंटोर में। दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में आपको प्रिंटिंग प्री प्रोसेस पार्ट टू के बारे में बता रहा हूं। पार्ट वन में मैंने आपको बताया था कि फॉन्ट्स को कर्व करना, सी एम वाई के इमेजेस बनाना, आर जी बी से सी एम वाई के करना, है ना, जो भी आर जी बी कलर्स होते हैं उनको सी एम वाई के में करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रिंटिंग के लिए बुक की डमी बनाना बता रहा हूँ। तो दोस्तों, जब भी हम कुछ काम करते हैं, जब भी हम कोई जॉब प्रिंटिंग के लिए देते हैं, कोई ब्रोशर हुआ, मैगजीन हुई, है ना, या कोई एनुअल रिपोर्ट हुई, किसी भी तरीके का जॉब हुआ जिसमें कई सारे पेजेस होते हैं, तो जब हम उसकी प्रिंटिंग करते हैं तो प्रिंटिंग के पहले हमको उसकी उस ब्रोशर की, उस एनुअल रिपोर्ट की डमी बना लेनी चाहिए। जब हम इसकी एनुअल रिपोर्ट की डमी बनाते हैं तो और उसको प्रिंटर को देते हैं, प्रिंटिंग प्रेस में देते हैं, तो उस जॉब में किसी भी प्रकार की कोई गलती होने की संभावना नहीं होती है। तो बुक की डमी किस तरीके से बनाए, तो बुक की डमी या ब्रोशर की डमी के लिए, डमी का मतलब है कि किस पेज के पीछे कौन सा पेज प्रिंट होगा। तो इसके लिए ये पेपर है मेरे पास में, इस पेपर में आपको उसकी बुक की डमी बनाना बता रहा हूँ। तो जो अभी हम ब्रोशर बना रहे हैं वो हम सेंटर पिन का ब्रोशर बना रहे हैं जिसमें सेंटर से पिन लगेगी। ओके दोस्तों, अभी जो हम सीख रहे हैं वो हम सेंटर पिन की बाइंडिंग करना सीख रहे हैं। हमारी जो बुक है वो सेंटर पिन की है, तो अभी हम सेंटर पिन का बाइंडिंग हम सीखेंगे। तो बाइंडिंग को समझने के लिए पहले हमको पेपर को समझना जरूरी है कि पेपर किस तरीके का होता है। तो जनरली पेपर की जो साइजेस होती हैं, ये 18x23 साइज का पेज होता है, बड़ा शीट होती है, 18x23 इंच की शीट होती है, ये 18x23 इंच का पेपर होता है। और इसमें हमारे A4 के चार टुकड़े निकलते हैं, ये चार भाग इसके होते हैं, ये एक, ये दो, तीन, चार। तो ये चार दिख रहे हैं आपको और इसके पीछे चार, तो चार दूनी आठ, तो एक शीट में हमारा आगे पीछे आठ हमारे A4 के जॉब छपते हैं। तो देखिए, ये हमारा पेपर है, ये मैंने वेस्टेज पेपर लेके रखे हैं, इसमें आप वेस्टेज भी ले सकते हैं, चाहे तो फ्रेश भी ले सकते हैं। ये हमारे पेपर है, ये पेपर को मैंने यहाँ पर जनरली ऐसा बीच से फोल्ड कर दिया है, ये इसको मैंने इस टाइप से ऐसा फोल्ड कर दिया है। इस फोल्ड करने के बाद मैंने इसको एक बार फिर से वापस से ये फोल्ड कर दिया है। तो ये हमारा, हमने इसको दो बार इसको फोल्ड कर दिया है, ठीक है। तो ये जो फोल्ड वाला जो है ना, जो मुड़े हुए पेजेस हैं, इनको हम ऊपर की तरफ रखेंगे और ये जो है इसको हम लेफ्ट साइड में इस तरह से रखेंगे। और अब इसके ऊपर हम यहां पर पेज नंबरिंग करेंगे। तो अब हम इसको गिने, तो ये आप समझिए कि ये हमारी 18x23 इंच की एक पूरी शीट है। ये इसका एक छोटा सा रूप है, मैंने अभी आपको बड़ी शीट, पूरी शीट दिखाई थी, तो उसको बड़ी शीट को मैंने यहाँ पर साइड में रख दी, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने दिखाई थी। तो फिलहाल हम समझते हैं कि ये हमारा 18x23 इंच का पेपर है और अब हम इसको गिनना चालू करते हैं जिस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। इसमें हमको ध्यान ये रखना है कि जो फोल्डिंग वाला जो हिस्सा है, जहाँ से हमने पेज फोल्ड किए थे, वो ऊपर की तरफ हो और एक दूसरा फोल्डिंग वाला ऐसा यहाँ पर लेफ्ट हैंड की तरफ हो, ये बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए जिस तरीके से हम बुक को खोलते हैं। तो अब हम यहाँ पर पेज नंबरिंग करना चालू कर रहे हैं, ये एक, हम इसको गिन ले पहले, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, ये सात और ये आठ। अब ये जो
पेज है, मैं इसको पूरा खोल रहा हूं। ये देखिए मैंने इसको ऐसा खोल लिया है। तो अब हमको इसके ऊपर आगे पीछे किसके पीछे कौन सा छपेगा, वैसे तो ये पूरा आगे पीछे का फ्रंट बैक का जॉब है, ये पूरा ऐसे पता चलता ही चलता है। तो हमको मगर जब कई सारी प्लेट्स होती, जब कई सारी शीट्स होंगी तो उसमें क्लियर नहीं होता है। तो हमको क्या करना है कि हमको यहाँ पर कोई सा भी यहाँ पर एक नंबर, हमको एक अल्फाबेट नंबर यहाँ पर इसमें डाल देना है। इसको हम डाल देते हैं यहाँ पर ए। तो इससे प्रिंटर को समझ में आएगा कि ए के पीछे बी छपेगा, तो इससे उसको छापने में कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। और इस तरीके से पूरी डमी हमको उसको प्रिंटर को हमारे जॉब के साथ में भेजना है। और ये हमको कलर डमी उसके जॉब के साथ में हमको हमेशा भेजना चाहिए, जिससे वो कलर के बारे में भी समझता है, कलर की एक्यूरेसी भी वो ध्यान रखता है कि जो कलर प्रिंटआउट आपने उसको शेयर करा है वो कलर प्रिंटआउट उस पार्टी से आपके कस्टमर से अप्रूव हुए और आपको ये कलर कॉम्बिनेशन इसी टाइप की सब चीजें उसमें रखना है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने अभी आपको 8 पेज की प्रिंटिंग, 8 पेज जैसे हमारे प्रिंट होंगे उसकी मैंने आपको डमी बनाना बताई है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।